ये तो एक मूवी का सीन था, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे असली रियल भूतों के कुछ सीसीटीवी फुटेज। आप भूतों और प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। तो ये वीडियो रात में और अकेले बिल्कुल भी ना देखें। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये वीडियो 1 नवंबर 2012 का है। ये कैसलफील्ड ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज है और ये जगह मैनचेस्टर में है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रात के समय सीसीटीवी में कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कुर्सी अपने आप अपनी जगह से हिल गई। लेकिन बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि कुर्सी को किसी धागे या रस्सी की मदद से हिलाया गया होगा ताकि इस तरह का स्कैरी वीडियो बनाया जा सके। लेकिन तभी अचानक ऑफिस के सारे मॉनिटर अपने आप बंद और चालू होने लगे। आप देख सकते हैं एक साथ सभी मॉनिटर्स की स्क्रीन ऑन हुई और उसके बाद तुरंत बंद हो गई। ऑफिस के शेल्फ अपने आप खुलने लगे और उनमें से कागज अपने आप निकलकर बाहर आने लगे। आप देख सकते हैं ऑफिस का ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस ऑफिस में रात के समय ये जो भी शक्ति है, ये जो भी चीज थी, इसने पूरे ऑफिस में उथल पुथल मचा दी है। और पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो भूत था ये मस्ती के मूड में है। लेकिन एक बार आप जरा सोच कर देखिए कि इस ऑफिस का जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, जिसकी रात में ड्यूटी लगी होगी, जब उसने ये सारी चीजें सीसीटीवी में होते हुए देखी होंगी तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और आगे मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें जो घटना घटी है, यदि वो किसी इंसान के साथ घट जाए तो यकीनन या तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा या तो वो डर की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। आप देख सकते हैं ये एक रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ पर रात के समय स्टाफ में एक लड़की अकेली बैठी हुई है और तभी अचानक उसके पीछे एक कुर्सी में मूवमेंट होता है, जिसकी आवाज की वजह से वो पीछे मुड़कर देखती है। वो लड़की जब पीछे देख ही रही होती है तभी अचानक उसके सामने वाली कुर्सी अपने आप अपनी जगह से हिलने लगती है और ये देखते ही वो लड़की डर जाती है और अपनी जगह से उठकर भाग खड़ी होती है। ये लड़की समझ चुकी थी कि उस कमरे में कोई अनजानी शक्ति मौजूद है और वो घबरा कर उस कमरे से भागने की, बाहर आने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक सभी चीजें अपनी जगह से हटकर उस दरवाजे को ब्लॉक कर देती हैं जो उस कमरे से बाहर जाने का इकलौता रास्ता था। ये सारी घटना देखकर वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस वीडियो में जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और डरावना है और मेरे ओपिनियन में ये कोई नकली वीडियो या ये कोई प्रैंक वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उस समय आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारा अगला वीडियो है विंगेट होटल का। ये वीडियो 14 सितंबर सन 2003 का है। होटल में ठहरे कुछ लोगों ने स्टाफ से शिकायत की कि दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 209 से हमेशा रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आया करती हैं और इसी बात की जांच करने के लिए होटल का सिक्योरिटी स्टाफ उस कमरे में गया। जो सिक्योरिटी गार्ड उस समय कमरे को चेक करने के लिए अंदर जा रहा था, उसके सभी मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे और वो लगातार वॉकी टॉकी पर अपने साथियों के साथ बात भी कर रहा था। आप देख सकते हैं जब वो सिक्योरिटी गार्ड कमरे के अंदर गया तब अचानक से ही एक हल्की और धुंधली सी आकृति उस कमरे से बाहर आती हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने वॉकी टॉकी पर बताया कि उस कमरे का जितना भी फर्नीचर था वो सब अपनी जगह से हट चुका है, पूरे कमरे में उथल पुथल मची है, ठीक वैसी ही जैसी हमने सबसे पहले वाले वीडियो में देखी थी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कमरा खुलने से पहले उस कमरे के अंदर से आती अजीबोगरीब आवाजों को सुना भी था, लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर गया तो वहां सभी आवाजें आनी बंद हो गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर जो आत्मा थी वो आप लोगों की आंखों के सामने उस कमरे से बाहर जा चुकी है। अगर होटल के उस कमरे के अंदर सीसीटीवी लगा होता तो शायद हमको वो फुटेज भी मिल जाती जहां पर उस आत्मा ने उस पूरे कमरे के फर्नीचर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अफसोस के कमरों के अंदर सीसीटीवी लगाना अलाउड नहीं होता। हाँ, लेकिन इंडिया में कुछ होटल वाले ऐसे हैं जो छुपा कर अपने होटल के कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं
और आपको ऐसे होटल्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन कैमरेज में भूत की वीडियो रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन आपकी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड हो सकती है। हमारा अगला वीडियो कार्लिस लेक कैसल होटल का है। ये होटल ऑस्ट्रेलिया में है और ये सीसीटीवी फुटेज ईयर 2014 में रिकॉर्ड हुआ था। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में रात के समय एक अजीब सी आकृति कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन ये घटना सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्कर फ्रिज खोलता है और तभी उसके पीछे अचानक से दो कांच की बोतलें गिर जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन बोतलों को किसी ने धक्का देकर गिरा दिया हो। हम देख सकते हैं कि बार एरिया में एक औरत टेबल से टिककर खड़ी हुई है और तभी उसके अचानक ऊपर से एक कांच का गिलास गिर जाता है। शुरुआत में तो सभी लोगों ने इन छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर किया। लोगों को लगा शायद हवा की वजह से कांच की ये चीजें गिर जाती होंगी। लेकिन बाद में जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और पता चला कि वाकई में इस होटल में एक प्रेत आत्मा थी। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो इंडिया का है। यहाँ पर एक लड़का सुनसान रास्ते में जा रहा था और तभी अचानक से एक काले रंग का साया आता है जो उस लड़के को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। वो लड़के को धक्का मार देता है, लड़का अपनी जगह से गिर जाता है। उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। ये लड़का फिर से उठ जाता है और वापस उसी दिशा में जाने लगता है जहां वो पहले जा रहा था। अगर उस लड़के को ये काला साया अपनी आंखों से दिखाई दे जाता तो शायद वो वापस भाग जाता। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जंगल में सीसीटीवी कैमरा किसने लगाया, तो आप देख सकते हैं ये एक फॉरेस्ट सिक्योरिटी कैमरा है और इस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग डेट है ईयर 2016। दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान की सोच से परे हैं, विज्ञान की सोच से परे हैं, और किसी के पास इनका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और जिसके साथ ये घटनाएं घट जाती हैं या जो इन चीज़ों को अपनी आंखों से देख लेता है वही इन पर विश्वास करने लगता है। तो यार अब कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत। बहुत से लोगों को शिकायत थी कि वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर वीडियोस में नहीं बना रहा हूं। तो यार देखो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो बहुत पहले ही शूट हो चुका था, लेकिन उसकी सारी वीडियो फाइल्स करप्ट हो गई थी, तो अभी मुझे इस वीडियो को फिर से शूट करना पड़ा है और यही रीज़न था कि ये वीडियो पूरा एक हफ्ते से भी ज़्यादा डिले हो गया है। तो यार अब आएंगे बुलेट की स्पीड से धड़ाधड़ वीडियो, तो जल्दी से इस वीडियो को कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा। अगर दिमाग में कोई आइडिया है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी कमेंट करके मुझे बता देना। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता नया वीडियो कब आ गया है। तो यार नीचे सब्सक्राइब के बटन के बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करो और उस पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन क्लिक करो तो तुम्हें सभी नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हों, और अगर नहीं हुए हों तो जल्दी से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, 4 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करना है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।